नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा एक बार फिर से आप सभी के साथ में जुड़ा हूँ। प्लस वन की फिजिक्स को लेकर के अपने चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं और चैप्टर फर्स्ट के अंदर अपने मापन पढ़ चुके हैं और इसी मापन के अंदर विमाएँ हम लोग पढ़ चुके हैं। और अब अपने जो बात कर रहे हैं वो अपने बात कर रहे थे सूक्ष्म और वृहद दूरियों की। सूक्ष्म और वृहद दूरियों का मापन, तो अपने इस मापन की बात कर रहे हैं और इसके अंदर अपने जो बिल्कुल शुरुआत में पढ़ रहे हैं वो है सूक्ष्म दूरियों का मापन। सूक्ष्म दूरियों का मापन, ये अपना टॉपिक आज का, सूक्ष्म दूरियों का मापन। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में जब अपने दूरियों की बात करते हैं तो अपने बहुत छोटी छोटी दूरियों की बात करनी पड़ती है, जैसे 10 की पावर माइनस 10 मीटर, 10 की पावर माइनस 15 मीटर, और इससे भी दूरी जो है वो लगातार क्या होती जाती है, कम होती जाती है। यानी अपने परमाणु के नाभिक की इतनी कम दूरियों की बात करते हैं। जब इतनी कम दूरियों की अपने बात करें तो उनके मापन के लिए अपने जो प्रत्यक्ष विधियां काम में लेते हैं उनकी सहायता से इसका मापन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अपने सूक्ष्मदर्शी वगैरह की सहायता से क्या करते हैं, इन दूरियों का मापन करते हैं। कुछ अपने पास में परोक्ष विधियाँ भी है इसकी, और इन विधियों के अंदर अपने आपके जो सिलेबस में दे रखी है उसमें सबसे पहले दे रखी है ओलिक अम्ल के अणुओं के आकार का मापन। ओलिक अम्ल के अणुओं के आकार का मापन, ये आपके एक विधि दे रखी है। और इस विधि की सहायता से अपने क्या कर सकते हैं, जो ओलिक अम्ल है उसके अणुओं के आकार का अपने मापन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपने सबसे पहले क्या करते हैं, ओलिक अम्ल जो है इसका 1 cm³ आयतन लेते हैं और अल्कोहल का 20 cm³ आयतन लेते हैं और दोनों को क्या कर देते हैं, आपस में मिला देते हैं, एक दूसरे में मिक्स कर देते हैं। उसके बाद में ये जो अपना मिश्रण बना है इसका फिर से 1 cm³ आयतन लेते हैं और इस एक सेंटीमीटर क्यूब को फिर से अपने किस में मिला देते हैं, 20 cm³ अल्कोहल में मिला देते हैं। इससे क्या हुआ, ये जो अल्कोहल है इसके अंदर ओलिक अम्ल के अणुओं की सांद्रता 1/400 प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है। ठीक है, देखो अपने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले अपने ओलिक अम्ल लिया और इस ओलिक अम्ल का कितना आयतन लिया, 1 cm³ आयतन लिया। उसके बाद अपने क्या किया, अल्कोहल को लिया और अल्कोहल का कितना आयतन लिया, 20 cm³ आयतन लिया। उसके बाद अपने क्या किया, ये जो अपने मिश्रण बनाया इसका 1 cm³ जो है वो आयतन फिर से लिया। ठीक है, इस मिश्रण का 1 cm³ आयतन फिर से लिया और किस में मिला दिया, 20 cm³ अल्कोहल में मिला दिया, जिससे क्या हुआ, ये जो अपना लास्ट में जाकर के मिश्रण या विलयन जो बना है इसके अंदर अपने ओलिक अम्ल की अगर सांद्रता देखेंगे तो वो 1/400 प्रति सेंटीमीटर क्यूब इसकी क्या बन जाएगी, सांद्रता बन जाएगी। ठीक है, अब अपने क्या करते हैं, अब अपने एक अलग बड़ा पात्र लेते हैं और उसके अंदर अपने पानी लेकर के और लाइकोपोडियम पाउडर डाल देते हैं उसके ऊपर। जो लाइकोपोडियम पाउडर आता है ये क्या कर देते हैं, उसके ऊपर डाल देते हैं। ठीक है, जो पानी अपने लिया है पात्र के अंदर उसके अंदर अपने क्या कर देते हैं, लाइकोपोडियम पाउडर डाल देते हैं। उससे क्या होगा कि जो अपना पात्र है उसके अंदर जो पानी है उसके ऊपर एक परत बन जाएगी, जो परत किसकी होगी, इस लाइकोपोडियम पाउडर की होगी। ठीक है, यानी जो लाइकोपोडियम पाउडर है, जैसे ये पात्र था इसके अंदर आपने क्या कर दिया, इसे मिला दिया, पानी के ऊपर डाल दिया, जैसे ही डाला यहाँ इसने क्या कर दिया, एक परत का निर्माण कर लिया। ठीक है, ये परत किसकी बन गई, लाइकोपोडियम पाउडर की बन गई। अब अपने क्या करते हैं, ये जो अपने लिया है, ये जो अपने विलयन लिया है ओलिक अम्ल और अल्कोहल का,
इसको क्या कर देते हैं, इसके ऊपर डाल देते हैं। जैसे ही अपने इसके ऊपर इसे डालेंगे तो ये जो अपना विलयन है ये क्या करेगा, जो लाइकोपोडियम की परत बनी है उसको हटा देगा और हटा करके उसकी जगह खुद आ जाएगा। ठीक है, उसको हटा करके उसकी जगह क्या हो जाएगा, खुद आ जाएगा। जिससे क्या होगा, जिससे जो लाइकोपोडियम का पाउडर है उतनी जगह से हट जाएगा और उसकी जगह एक फिल्म बन जाएगी, वृत्ताकार फिल्म बन जाएगी। और वो फिल्म किसकी बनेगी, वो फिल्म अपने पास में ओलिकमल जो है उसके अणुओं की बनेगी। ठीक है, यानी ओलिकमल के अणु मिल करके वहाँ पर क्या कर लेंगे, एक परत बना लेंगे। अब देखो अपने क्या करना होगा, अब अपने इस परत का क्या करेंगे, आयतन ज्ञात करेंगे। इस परत का जब अपने आयतन ज्ञात करेंगे तो एक तो इसका क्षेत्रफल होगा, मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है, ए है, और इस परत की मोटाई कितनी है, टी है। इस परत का क्षेत्रफल कितना है, ए, और इस परत की मोटाई कितनी है, टी है। देखो ये जैसे परत बन गई तो यहाँ जो लाइकोपोडियम का इसका ओलिकमल और स्विलियन का एक अणु आया, फिर एक अणु आया, फिर एक अणु आया, ये जो मोटाई है ये तो अणु का आकार है, और बाकी जो मिलकर के वो बना रहे हैं वो क्या बन रहा है, उसका क्षेत्रफल बन रहा है। तो ये अपने बात कर ली उसके क्षेत्रफल की। अब अपने मान लेते हैं कि जो 400 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन जो है वो कितने में है, वी में है। ठीक है, और एक में अगर देखें तो वी बटा 400 हो जाता है। ठीक है, एकांक आयतन में अगर अपनी संदर्भता देखें तो वो 400 थी, वी आयतन की अगर अपनी बात की तो वी बटे अपने 400 आ गया। और अगर अपनी बात करें एन अणुओं की, कितने अणुओं की बात करें, एन अणुओं की बात करें तो एन से अपने क्या कर देंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे अपने पास में क्या आ जाएगा, अपने पास में आ जाएगा एन वी अपॉन 400। ठीक है, और यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, टी का मान ज्ञात कर सकते हो, एन वी अपॉन 400, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखना ये अपने ऊपर V लिखा हुआ है आयतन का, और नीचे क्या लिखा हुआ है, क्षेत्रफल लिखा हुआ है। जब विमा की अपनी बात करेंगे तो आयतन की विमा क्षेत्रफल से कटेगी तो किसकी विमा बच जाएगी, लंबाई की विमा अपने पास में बच जाएगी, यानी इस तरफ T है, इस तरफ क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये जो अपनी आएगा ये क्या आएगा, वो जो ओलिकमल के अणु लिए है उनका आकार आ जाएगा। ठीक है, तो ओलिकमल के अणुओं का यदि अपने को आकार ज्ञात करना हो तो अपने इस फॉर्मूले की सहायता से, बस अपने को ये फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूले की सहायता से अपने क्या कर सकते हैं, उसका आकार जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। अगर विधि आती है तो सबसे पहले आपको ये सब लिखना पड़ेगा कि एक सेंटीमीटर क्यूब अपने क्या किया है, आयतन लिया है किसका, ओलिकमल का, 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल का लिया, इसे मिला दिया, और इस विलयन का अपने क्या किया है, एक सेंटीमीटर क्यूब आयतन लिया है और इसे फिर से किस में मिला दिया, एल्कोहल में मिला दिया, और आयतन क्या आ गया, 20 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। और प्रति आयतन अगर अपने इसे देखें तो 1/400 प्रति सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, इसका आयतन होगा। ठीक है, यानी 1/400 क्या है, इसका प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन है, और V से मल्टीप्लाई कर देंगे तो V/400 हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर अपने बोलेंगे कि 400 का आयतन V है, 400 अपने जो बूंदें आ रही है ये, इनका आयतन कितना मान लें, यदि अपने V मान लें, और एक की अगर अपने बात करेंगे तो V/400 हो जाएगा, और मान लेते हैं बूंदे कितनी है, एन है, तो इसकी जगह अपने क्या कर देंगे, एन कर देंगे। जैसे आप लोग सोल्व करते हो ना, सबसे पहले आपको 400 का मूल्य दे, फिर आप क्या लिखते हो, एकांक का लिखते हो, तो क्या लिखते हो ये, फिर आप बोलोगे कि यदि एन हो तो V/400 ना एन। ठीक है, ये आयतन आ जाता है, ये अपने इसमें फॉर्मूला काम में लिए, ये यहाँ पर रख दिया, और टी का मान कितना आ गया, एन वी अपॉन 400 इंटू ए और सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार अपने क्या कर सकते हैं, ओलिकमल जो है उसके अणुओं के आकार का मापन कर सकते हैं। देखो नॉर्मली अपने इसका फॉर्मूला ही काम में आएगा, किसी न्यूमेरिकल के अंदर आपको सारी वैल्यूज दे दी जाएगी और आपको बोलेगा कि टी का मान जो है वो ज्ञात कीजिए, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है। दूसरा अपने इसके अंदर जो विधि आती है वो विधि आती है अवोगाद्रो की विधि। ठीक है, दूसरी जो अपनी इसके अंदर विधि आती है उस विधि का नाम है अवोगाद्रो की विधि। तो अब अपनी बात कर लेते हैं परमाणु के आकार के मापन की, अवोगाद्रो विधि, परमाणु के आकार के मापन की अवोगाद्रो की विधि। ठीक है, अवोगाद्रो ने क्या किया, एक फॉर्मूला दिया, उस फॉर्मूले से अपने क्या कर सकते हैं, इनका आकार जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। देखो उसके फॉर्मूले में क्या है, उसके फॉर्मूले में आता है R इक्वल m अपॉन 2π रो n और इसकी पावर 1/3। ठीक है, तो R इक्वल क्या आता है, m 1/3 है
एम बटा टू पाई रो एन और इसकी पावर एक बटा तीन, ये अवगाद्रो का फॉर्मूला रहता है परमाणु के आकार के मापन का। इससे त्रिज्या जो है अपने ज्ञात कर सकते हैं। त्रिज्या ज्ञात करने के लिए आपको किसका पता होना जरूरी है, आपको एम और रो का पता होना जरूरी है। यदि आपको एम और रो बता दिया जाए तो आप लोग क्या कर सकते हो, आर जो है उसका मान ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर एन जो है, एन आपको पता है अवगाद्रो संख्या होती है, और एम जो है ये मोलर द्रव्यमान है, रो जो है वो क्या है, घनत्व है, ठीक है। और इसका अपने घनमूल कर रखा है एक बटा तीन लगा करके, तो इस प्रकार अपने क्या कर सकते हैं, स्मॉल आर का मान ज्ञात कर सकते हैं। बस इसके अंदर ये फॉर्मूला याद रखना है और बताना है आर एम टू पाई रो एन ये सब क्या है। तो ये बता देना कि आर जो है अपने त्रिज्या जिसका अपने मान ज्ञात करेंगे, एम जो है वो मोलर द्रव्यमान है, और रो जो है वो क्या है इसका घनत्व है, घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन होता है, और एन जो है वो क्या है अवगाद्रो संख्या है। तो इससे अपने क्या कर सकते हैं, आर का मान जो है वो ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब अपनी बात कर लेते हैं वृद्द दूरियों के मापन की, सूक्ष्म दूरियों के मापन की ये दो विधि आपके दे रखी है। अब अपनी अगली जो विधि आती है वो आती है वृद्द दूरियों का मापन। वृद्द दूरियों के मापन में आपके जो सबसे पहली विधि दे रखी है वो दे रखी है विस्थापन या लंबन विधि, ठीक है। तो अपने सबसे पहले जो विधि दे रखी है वो दे रखी है विस्थापन या लंबन विधि। तो अपने बात करेंगे विस्थापन या लंबन विधि की, दूसरी यही वृद्द दूरियों का, वृद्द दूरियों का मापन। और इसके अंदर जो वृद्द दूरियों के मापन में जो सबसे पहले आपके दे रखा है वो दे रखा है लंबन या विस्थापन विधि, लंबन या विस्थापन विधि। देखो अपने सबसे पहले तो वृद्द दूरियों की बात कर लेते हैं कि वृद्द दूरियों से अपने क्या मतलब रहेगा यहाँ। तो वृद्द दूरियों का मतलब ये हो गया कि जैसे अपने अभी तो अपने बात की है सूक्ष्म दूरियों की, यानी अपने परमाणु की नाभिक की अगर बात करनी हो तो अपने सूक्ष्म दूरियों वाली विधि को काम में ले सकते हैं, सूक्ष्म दर्शी को काम में ले सकते हैं, या ऐसे उपकरण काम में ले सकते हैं जो अपने सूक्ष्म दूरियों का मापन कर सकते हैं, ठीक है। अगर अपने वृद्द दूरियों के मापन की बात की जाए, वृद्द दूरियों के मापन की बात की जाए, जैसे आपको वृद्द दूरियों की बात करें तो ये पृथ्वी है जैसे, और आपको बोल दें कि पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए, तो अपने सीधा सीधा तो इसे ज्ञात नहीं कर पाएंगे स्केल लगा करके कि भी पृथ्वी और इसके बीच की दूरी क्या है। तो अपने को कोई अन्य विधियां जो है, परोक्ष विधियां जो है वो अपने को काम में लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर अपने को बोल दे कि भी सूर्य है और पृथ्वी के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए, तो उसमें भी अपने इसकी दूरी जो है वो सीधी ज्ञात नहीं कर सकते। इसके अलावा अपनी जो पहाड़ियाँ होती है, जो पहाड़ियाँ वगैरह होती है, यदि उनका आकार अपने को बोल दिया जाए कि उसकी ऊंचाई बताइए कितनी है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए भी अपने क्या कर सकते हैं, इन विधियों को काम में ले सकते हैं। पहाड़ हो गया, पठार हो गया, ये सब जो बड़े बड़े होते हैं इनकी दूरियां अगर अपने को ज्ञात करनी हो। इसके अलावा अगर कोई वायुयान वगैरह उड़ रहा है तो उसकी पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है उसका अपने को मान ज्ञात करना हो, तो अपने उस जगह क्या करते हैं, वृद्द दूरियों का मापन के लिए इन विधियों को काम में लेते हैं। जो सबसे पहले आपकी विधि दे रखी है वो कौन सी दे रखी है, वो दे रखी है लंबन या विस्थापन विधि, ठीक है। देखो लंबन या विस्थापन के अंदर क्या होता है, लंबन या विस्थापन विधि, लंबन या विस्थापन का मतलब ये हो गया, जैसे अपने कभी कभी करते हैं कि कोई एक वस्तु लेते हैं, ठीक है, उसे अपने सामने की तरफ रखते हैं, एक बार तो अपने क्या करें उसे ठीक है। देखो अपने कभी कभी ऐसा करते हैं ना कि कोई एक वस्तु लेते हैं, जैसे ये लिया और इसको अपने सामने कर लिया, एक बार तो अपने इसे अपनी एक आंख बंद करके देखेंगे, दूसरी बार अपने उस आंख को खोल करके दूसरी आंख को बंद करके इसे देखेंगे। तो आपको पता है जब भी अपने ऐसे करते हैं कि किसी एक वस्तु को एक बार एक आंख से देखें, दूसरी बार दूसरी आंख से देखें, तो उसी वस्तु को उसी जगह रख करके अगर अपने अलग 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 आंखों से देखें तो क्या होगा, वो जो वस्तु है उसकी स्थिति में अपने को परिवर्तन दिखाई देगा, अपने को लगेगा कि ये वस्तु पहले किसी और जगह थी अब ये किसी और जगह। ये जो विधि है अपने, इस विधि को अपने क्या बोलते हैं, इस विधि को अपने लंबन या विस्थापन विधि कहते हैं। आई बात समझ में, यानी अपने किसी एक वस्तु को अपनी आंखों के सामने रखें, एक बार अपनी दाई आंख बंद करके बाईं से उसे देखें, दूसरी बार बाईं आंख खोल करके और दाई आंख
बंद करके उसे देखें, यानी एक बार अपने दाएं से देखें और दूसरी बार बाएं से देखें, तो वो जो सामने वस्तु रखी हुई है उसकी स्थिति में अपने को आभासी परिवर्तन दिखाई देगा, और उसी परिवर्तन की जो विधि है उसको अपने क्या कहते हैं, विस्थापन या लंबन विधि कहते हैं। और वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन अपने को दिखाई दे रहा है उस परिवर्तन को अपने क्या कहते हैं, लंबन या विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो अपने लंबन या विस्थापन का मतलब क्या हो गया, लंबन या विस्थापन का मतलब हो गया कि किसी प्रेक्षक बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में होने वाला आभासी परिवर्तन। जैसे देखो ये अपना ऑब्जेक्ट ओ है, यहाँ पर कोई एक वस्तु रखी हुई है, एक बार तो अपने क्या कर रहे हैं इसे लेफ्ट साइड से देख रहे हैं और दूसरी बार अपने इसे राइट साइड से देख रहे हैं, यानी एक बार तो अपने इसे दाईं आंख से देख रहे हैं, दूसरी बार अपने इसे बाईं आंख से देख रहे हैं। तो जब अपने इसे देखते हैं तो इसकी स्थिति में अपने को क्या दिखाई देगा, परिवर्तन दिखाई देगा। वो परिवर्तन वास्तविक नहीं होगा, वो परिवर्तन क्या होगा, आभासी परिवर्तन होगा। ठीक है, प्रेक्षक बिंदु के सापेक्ष मैंने बोला था, अगर पीछे वाली लाइनों को आपने देखा होगा मैंने बोला था किसी वस्तु की स्थिति में प्रेक्षक बिंदु के सापेक्ष होने वाले आभासी परिवर्तन को। प्रेक्षक बिंदु का मतलब हो गया जहाँ से अपने उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। प्रेक्षक बिंदु जैसे अपने एक बार उसे दाईं आंख से देख रहे थे, दूसरी बार अपने उसे बाईं ओर से देख रहे थे, जो देख रहा है वो प्रेक्षक होता है। ठीक है, वहाँ से अपने क्या कर रहे थे, इसकी स्थिति में परिवर्तन देख रहे थे। तो वस्तु तो अपनी जगह थी, अपने को क्या दिखाई दे रहा था, आभासी परिवर्तन दिखाई दे रहा था, और इसी आभासी परिवर्तन को अपने क्या बोलते हैं, लंबन या विस्थापन बोलते हैं। तो ये अपनी वस्तु है, इसे अपने एक बार लेफ्ट साइड से देखें, एक बार अपने इसे राइट साइड से देखें। तो अब अपने इस विधि के अंदर आगे क्या किया जाता है, अपने को ये दूरी मान लेते हैं, जैसे इसे अपने एस से लिख दिया और इसे अपने क्या कर लिया, बी से लिख दिया। ये जो दूरी है इसे तो अपने किससे लिख दिया, बी से लिख दिया, दोनों सेम दूरी है ये, और इसे अपने किससे लिख दिया, एस से लिख दिया। आपको पता है ये तो डायग्राम चलो बड़ा बना दिया है, किसी प्रेक्षण बिंदु के सापेक्ष अगर अपनी दोनों आंखों की पोजीशन को देखें तो अपनी दोनों आंखें बिल्कुल पास पास होती है, इतनी भी दूर नहीं होती कि जैसे इतनी इसमें दिखा रखी है, अपनी दोनों आंखों के मध्य दूरियां क्या होती है, बिल्कुल अलग होती है, और जो प्रेक्षक बिंदु होता है वो अपने से काफ़ी दूर होता है। यानी अपने अगर क्या माने कि जैसे ये माने कि ये तो प्रेक्षक बिंदु है और ये अपनी वो एक तो अपने इस आंख से देख रहे हैं, दूसरी बार अपने इस आंख से देख रहे हैं, तो अपने ये मान सकते हैं कि दोनों ही जो बिंदु है वो कहाँ स्थित है, एक वृत्त के चाप पर स्थित है। यानी जो अपने लेफ्ट और राइट जो बिंदु है वो कहाँ स्थित है, एक वृत्त के चाप पर स्थित है। अगर ऐसा है तो देखो क्या होगा, अगर अपने ये मान लें कि दोनों बिंदु जो है वो एक वृत्त के चाप पर स्थित है, लेफ्ट और राइट बिंदु में। ठीक है, तो आपको पता है कोण, कोण किसके बराबर होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या के। कोण किसके बराबर होता है, चाप बटे त्रिज्या के। यहाँ कोण कितना है, थीटा है, चाप कितना है, एस है, और त्रिज्या कितनी है, बी है। तो इस प्रकार अपने क्या कर सकते हैं, थीटा का मान जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। आपको तो बी का मान ज्ञात करना है, अगर बी का अपने को मान ज्ञात करना हो तो आप लोग क्या लिख दोगे, एस अपॉन थीटा लिख दोगे। तो इससे आपको किसका मान मिल जाएगा, इससे आपको बी का मान मिल जाएगा, बी इक्वल एस अपॉन थीटा, इससे अपने बी का मान जो वो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये जो अपनी विधि थी, ये विधि थी अपने लंबन या विस्थापन विधि। ठीक है, अपने को बी का ही मान ज्ञात करना है इसमें, लंबन या विस्थापन विधि। जैसे अपनी पाड़ी जो है वो इस जगह और अपने इसे यहाँ से देख रहे हैं, तो अपने बीच में और पाड़ी के बीच में वो दूरी जो है वो कितनी है, बी है, और उस बी का अपने क्या कर सकते हैं, मान जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो इस विधि के अंदर अपने क्या किया है, इस विधि के अंदर अपने एक बार किसी वस्तु को अपने सामने रख दिया है और एक बार अपने इसे दाईं आंख से देख रहे हैं, दूसरी बार अपने इसे बाईं आंख से देख रहे हैं, और वस्तु की जो स्थिति है उसमें अपने को क्या दिखाई दे रहा है, परिवर्तन दिखाई दे रहा है, और उसी परिवर्तन को अपने क्या कर सकते हैं, इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो अपना थीटा जो है वो किसके इक्वल है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण थीटा, ये थीटा ये जो लिखा हुआ है, और चाप अपना कितना है, यहाँ पर एस है, और त्रिज्या कितनी है, बी है। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, जिससे अपने बी का अगर मान ज्ञात करना हो तो बी किसके बराबर आ जाएगा, एस अपॉन थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अपने क्या कर सकते हैं, लंबन या विस्थापन विधि को काम में ले सकते हैं। क्या काम में आती है, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ते हुए वायुयानों की जो ऊंचाई है उसको ज्ञात कर सकते हो, पहाड़ियाँ जो है उनकी ऊंचाई को आप लोग ज्ञात कर सकते हो, अपने पृथ्वी चंद्रमा इन सब के बीच की अगर दूरियां ज्ञात करनी हो तो इस विधि के माध्यम से अपने क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जो दूसरी विधि आपकी आती है वो आती है, एक तो अपने इसकी सहायता से जो बड़े खगोलीय पिंड है उनका व्यास ज्ञात कर सकते हैं, जैसे चंद्रमा वगैरह हो गया, उनका यदि अपने को व्यास ज्ञात करना हो तो अपने इस विधि की सहायता से क्या कर सकते हैं, व्यास जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आकाशीय पिंडों का आकार ज्ञात करना, आकाशीय पिंडों का आकार ज्ञात करना, या आप लोग ये भी बोल सकते हो चंद्रमा का व्यास ज्ञात करना,
या आप लोग बोल सकते हो कि चंद्रमा का व्यास ज्ञात करना, चंद्रमा का व्यास ज्ञात करना। और ठीक है, देखो अब तक तो अपने दूरी ज्ञात कर रहे थे कि पृथ्वी से वो कितनी दूरी पर स्थित है। अब अपने यदि उसका व्यास पूछ लिया जाए कि चंद्रमा का व्यास ज्ञात किस प्रकार से कर सकते हैं, तो आकाशीय पिंडों का जो आकार है उसका मापन करने के लिए इस विधि को अपने काम में लेते हैं। देखो इसमें क्या करते हैं, इसके अंदर अपने सबसे पहले तो ये मान लिया कि अपना कोई एक आकाशीय पिंड है, जैसे इस जगह अपना क्या है, चंद्रमा है, ये हो गया चंद्रमा और ये इसका व्यास हो गया और ये अपने क्या कर लिया, दूरियां मान ली, और इस जगह मान लेते हैं अपनी क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, इन पॉइंटों पर मिलाना है इन्हें, ठीक। और पॉइंट जो है इसका नाम लिख देता हूँ ए बी और सी, ये इसका केंद्र हो गया, और ये जो दूरी है इसे मान लेते हैं कितनी है, डी है। कोण को थीटा मान सकते हो, अगर ये सोचो कि थीटा थोड़ी देर पहले लिया था तो आप इसे अल्फा मान सकते हो। ये जो दूरी है इसे आप एस से लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, एस डी अल्फा, आप इसे कोई भी जो सिंबल है वो काम में ले सकते हो। तो ये अपनी पृथ्वी होगी और ये अपने क्या हो गया, चंद्रमा हो गया। यदि अपने को पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी ज्ञात करनी हो तो अपने पीछे वाली विधि को काम में लेंगे, लंबन या विस्थापन को। और यदि अपने को क्या ज्ञात करना हो, इसका व्यास ज्ञात करना हो, जैसे आपको क्या करना हो, चंद्रमा का व्यास ज्ञात करना हो, तो आपको ये विधि जो वो काम में लेनी पड़ेगी। इस विधि के अंदर भी कोई लंबी चौड़ी नई बात नहीं है, वही बात है कि कोण जो होता है अपना किसके बराबर होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या के। कोण किसके बराबर होता है, चाप बटे त्रिज्या के बराबर होता है। यहाँ कोण कितना है, यहाँ कोण जो है वो अपना अल्फा है। चाप की अगर अपने बात करेंगे तो चाप की जगह अपने क्या लेंगे, डी को लेंगे, और त्रिज्या की जब अपने बात करेंगे तो अपने क्या करेंगे, एस को लेंगे। और इसकी सहायता से अगर अपने डी ज्ञात करना हो तो एस अल्फा जो है वो क्या आ जाएगा, इसका सूत्र आ जाएगा। ठीक है, कोई समीकरण नंबर आप इसके लगा सकते हो। कुछ एक बातें यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक तो अपने को ये ज्ञात करना है, ये जो दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है, ये तो अपने डायग्राम बोर्ड पर बना हुआ है इसलिए अपने को काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है कि अपने साहब तो ये लेना था, ये कहाँ से ले लिया। पर अगर अपने पृथ्वी की और चंद्रमा की वास्तविकता की बात करें तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में दूरी काफ़ी ज़्यादा है, तो इतनी ज़्यादा दूरी होने पर अपने ये जो लाइन दिखाई देगी ये भी एक चाप की तरह ही दिखाई देगी। ठीक है, या अपने इसे एक चाप मान सकते हैं, और लगभग अपने इसे क्या लिख सकते हैं, अपने लिख सकते हैं अल्फा बराबर डी बटा एस। ठीक है, यानी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप डी आ गया और एस जो है अपनी इसकी त्रिज्या आएगी। डी का अगर अपने को मान ज्ञात करना हो तो किसके बराबर आ गया, अल्फा, एस के बराबर आ गया। और अगर एस का मान ज्ञात करना हो तो अल्फा जो है क्या जाएगा, इसके बाद में आ जाएगा डी के। ठीक है, और एस का मान आप क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो, यानी एस को इस तरफ लिख दो, अल्फा ये आ जाएगा डी अपॉन अल्फा, ये वही फॉर्मूला बन जाएगा जो थोड़ी देर पहले अपने निकाला था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इसी के अंदर मैं आपको तीसरी विधि बता देता हूँ साथ के साथ। जो तीसरी विधि आपकी आती है वो आती है प्रतिध्वनि विधि, वृत्त दूरियों के मापन की प्रतिध्वनि विधि, प्रतिध्वनि विधि या परावर्तन विधि आप इसे बोल सकते हो, प्रतिध्वनि विधि या परावर्तन विधि। प्रतिध्वनि इको अपने जिसे बोलते हैं, इको साउंड अपने बोलते हैं ना, साउंड जो सिस्टम होता है उसके अंदर इको लिखा होता है, अपने उसकी बात कर देते हैं। तो प्रतिध्वनि विधि, इको तो आप लोग जानते हो, आपने देखा होगा कि जब भी कोई साउंड सिस्टम होता है उसके अंदर अगर आप इको बढ़ा देते हो तो आप जैसे ही कोई साउंड बोलते हो वही साउंड आपको लगातार दो तीन बार सुनाई देती है। जैसे आपने हेलो बोला तो वो हेलो आपको लगातार दो तीन बार सुनाई देता है, उसे अपने क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं, या उसे अपने प्रतिध्वनि बोलते हैं। तो अपने जो प्रतिध्वनि विधि है इसके अंदर अपने क्या करना होता है, जो प्रतिध्वनि विधि है इसके अंदर पहली बात तो ये काम में कहाँ आती है, जैसे अपने कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो पहाड़ियाँ होती है, ठीक है, जो अपनी पहाड़ी होती है, जैसे ये मानो इस जगह अपने कोई एक पहाड़ी है, ठीक है, और ये बिल्कुल खाली जगह, अपने दूर खड़े होकर के यहाँ कोई दूसरी पहाड़ी है या कोई पठार है, अपने यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है, इस जगह खड़े हुए हैं, और यहाँ से अगर अपने क्या करें, आवाज़ लगाएं, यहाँ से अगर अपने क्या करें, आवाज़ उत्पन्न करें, तो आप लोग देखते हो कि वो आवाज़ पहाड़ी से टकराने के बाद में अपने को फिर से क्या करती है, सुनाई देती है, यानी वही आवाज़
जो आपने बोला है वही आवाज़ पहाड़ी इलाकों में जब जाते हो तो वही आवाज़ अपने को फिर से क्या है सुनाई देती है। इसी को अपने क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि विधि बोलते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो बड़े कमरे होते हैं, हॉल होते हैं, अगर वो खाली हो तो खाली कमरों में भी आवाज़ जो अपने को गूंजती हुई सुनाई देती है। अपने जो भी बोलते हैं वही बात अपने को फिर से क्या है बार बार सुनाई देती है। तो इसलिए अपने इस विधि को क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि विधि बोलते हैं। यानी इस विधि में क्या होता है, अपने जो बोलते हैं वही आवाज़ अपने को बार बार फिर से सुनाई देती है। ठीक है, तो ये अपने प्रतिध्वनि विधि है। कहाँ काम में आती है, जैसे किसी पहाड़ी से अगर अपने को दूरी ज्ञात करनी हो तो वही बात, जैसे यहाँ अपने उसे प्रत्यक्ष विधि से नहीं नाप सकते, भी स्केल लगा कर तो नहीं देख सकते, तो बिल्कुल वही बात है इसमें भी कि ये पहाड़ी आ गई और अपने इस जगह पर है और बीच में अगर कोई नदी नाला या तालाब आ गया या कोई बड़ी नहर आ गई तो अपने सीधा तो इसे नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो इसके लिए भी अपने को क्या करना पड़ेगा, कोई प्रोक्ष विधि जो है वो काम में लेते हैं। तो इसकी सहायता से अपने क्या करते हैं, पहाड़ी वगैरह से दूरी जो है वो ज्ञात करते हैं। इसके अंदर देखो क्या होता है, इसके अंदर ये मान लिया कि जो पहाड़ी है उसका सरफेस है, ये पहाड़ी की सतह है और अपने इस तरफ से क्या कर रहे हैं, आवाज़ उत्पन्न कर रहे हैं और ये आवाज़ जो है टकराने के बाद में फिर से क्या कर रही है, इस तरफ लौट रही है। यानी पहले आवाज़ इस ओर जा रही है और फिर टकराने के बाद में दोबारा से अपने को सुनाई दे रही है। मान लेते हैं कि ये जो साउंड जा रही है और आ रही है इसका वेग कितना है, स्मॉल वी है। यानी ये जो आवाज़ जा रही है ये कितने वेग से जा रही है, ये वी वेग से गति करती हुई जा रही है। वी वेग से जाकर के टकराती है और फिर से अपने पास में आ जाती है और इसे जाकर के टकराने में जो समय लगता है वो समय मान लेते हैं कितना है, टी है। यानी जो आवाज़ है वो टी समय में जाकर के क्या करती है, फिर से लौट आती है। तो वी वेग हो गया और टी क्या हो गया, इसका समय हो गया। दूरी की अगर बात करें तो अपने ये मान लें कि अपना जो ऑब्जेक्ट है, अपने जहाँ खड़े हैं वहाँ से इसकी दूरी कितनी है, एस है। ये दूरी मान लेते हैं कितनी है, एस है। अगर ये दूरी एस है तो आपको पता है यहाँ से आवाज़ जाएगी और फिर से लौट करके आएगी, तो फिर से लौट कर आने में इसे कितना, कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 2s दूरी तय करनी पड़ेगी। तो एस तो दूरी होगी, पर ये यहाँ से शुरू हुई और फिर आगे जाकर के टकराई और टकरा करके ये फिर से लौट करके आई, तो इसे जाकर के टकरा कर, यहाँ से जाकर के टकरा करके लौट करके आने में जो दूरी तय करनी पड़ेगी ना, वो दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी, एस की दोगुनी दूरी जो है वो तय करनी पड़ेगी। ठीक है, जो 2s लिख रहा हूँ यहाँ पर, 2s का मतलब समझ में आया कि 2s क्यों लिख दिया है, 2s का मतलब ये हुआ कि जो अपने पास में आवाज़ है वो सामने जाकर के टकराती है और टकराने के बाद में फिर से लौट करके अपने पास में आती है। तो जाकर के टकरा कर लौट के आने में कितनी दूरी तय कर जाएगी, वो 2s दूरी तय कर जाएगी और किसके बराबर आती है, v इंटू टी के बराबर आती है। आप लोगों ने दूरी का सूत्र पढ़ा हुआ, दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये सूत्र अपने यहाँ पर क्या करते हैं, काम में लेते हैं, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो दूरी अपने 2s और s किसके बराबर आ जाएगा, v इंटू टी बटा 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो s अपना किसके बराबर है, v इंटू टी बटा 2 के बराबर है। यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आप लोग दूरी लिखोगे वो दूरी s न लिख करके अपने कितनी लिखेंगे, 2s लिखेंगे। ठीक है, दूरी कितनी लिखनी है आप लोगों को, 2s लिखनी है और सूत्र इसका ज़रूर लिख देना, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, ये सीधी लाइन खींची है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, इससे आप लोग क्या कर सकते हो, एस का मान ज्ञात कर सकते हो। तो ये अपने कुछ एक विधियाँ थी जिसकी सहायता से अपने क्या कर सकते हैं, सूक्ष्म और वृहद दूरियों का मापन कर सकते हैं। इसके अंदर आप लोगों ने पहले तो सूक्ष्म दूरियों का मापन पढ़ा है और उसके बाद में अपने क्या किया, वृहद दूरियों का मापन पढ़ा है, सूक्ष्म दूरियों का और वृहद दूरियों का। सूक्ष्म दूरियों के अंदर अपने दो प्रकार के टॉपिक पढ़े, एक तो अपने ओली कमल वाला पढ़ा है, ओली कमल का टॉपिक, और दूसरा अपने अवोगाद्रो का जो तरीका है वो पढ़ा है, अवोगाद्रो विधि। तो इन दोनों के अंदर तो आपको क्या करना है, जो फॉर्मूला अपने काम में लिया है वो फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है, जैसे इसके अंदर तो टी का फॉर्मूला और इसके अंदर अपने आर का फॉर्मूला। ठीक है, तो ज़्यादा उसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है, आपको बस क्या करना है, टी का और आर का फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यूज़ आ रही है, जैसे इसके अंदर एम आ रहा है, रो आ रहे हैं, तो एम का क्या मतलब है, रो का क्या मतलब है, और इसके अंदर ए जो है वो क्षेत्रफल है, वी जो है वो अपना आयतन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और अवोगाद्रो की विधि के अंदर आपको आर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसके अंदर तो आपको सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं। और ये जो विधियाँ हैं वृहद दूरियों का मापन, इसके अंदर आपको जैसे आपने ये टॉपिक कर लिया, ये टॉपिक, तो इस टॉपिक के अंदर आप लोग देख सकते हो, तो एक तो आपने ये दूरी ज्ञात कर ली है एस, और आपने इसका व्यास भी ज्ञात कर लिया। तो ये जो विधि है आकाशीय पिंडों के आकार के मापन की, इसके अंदर आप लोग दोनों चीज़ें कर सकते हो। आप लोग ये जो दूरी है इसका मान भी ज्ञात कर सकते हो और ये जो दूरी है इन दोनों का मान ज्ञात कर सकते हो। तो ये तो आप डायग्राम याद रखना, इससे ये फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हो। और यहाँ जो प्रतिध्वनि विधि है इसके अंदर आपको क्या करना है, बस ये डायग्राम याद रखना है और दूरी बराबर चाल गुणा सूत्र काम में लेना है। ये टू जरूर याद रखना कि यहाँ से
शुरू ही आगे जाकर टकराई, फिर से लौट करके आई, और लौट करके आने में से कितना समय लगेगा, टी समय लगेगा, वी चाल होगी और दूरी कितनी तय कर जाएगी, 2s दूरी तय कर जाएगी, तो s बराबर वी इंटू टी बटा 2। तो आज अपने जो टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक को ढंग से पढ़ लेना। आने वाले वीडियो के अंदर अपने जो सूक्ष्म दूरियां हैं इनके मापन के लिए कुछ एक उपकरण काम में आते हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर्स काम में आता है।